ये महिंद्रा की पिकअप है और इसके अंदर जो है वो ड्राइवर कंप्लेन लेके आया है कि ब्रेक डिस्क में आवाज़ आती है चू चू ब्रेक मारने पे। तो ब्रेक लाइनर और ब्रेक डिस्क ये दोनों घिस गया है, तो उसको हम बदली करेंगे। अगर डिस्क जो है कटिंग होके पॉलिश हो जाएगा तो उसको कर लेंगे, तो पैसे बच जाएंगे अगर काम लायक होगी तो। और एकदम ख़राब होगी तो फिर उसमें मेहनत नहीं करना है, फिर बदली कर देंगे। ये टायर के ऊपर ये जो ब्लैक कलर के पाउडर डिस्क के ऊपर दिख रहा है, तो ये डिस्क का और लाइनर का ही पाउडर है जो निकला हुआ है, और इसको खोलने के बाद एकदम क्लियर दिखाई देगा। ये व्हील खोल के हमने देखा है और ये घिस रहा है, ये ब्रेक लाइनर घिस गया इसके। अब इसको हम खोल के बदली करेंगे लाइनर। ये हमने पेट खोला है और ये ब्रेक के पेट घिस गया है ऐसे, तो इसको बदली करना है। ये ब्रेक लगाते हैं और ये इसके मेटल चिपक चिपक के इसके अंदर ये वियर भी हो गया, और ये मेटल घिस रहा था, लाइनर तो ख़त्म ही हो गया। लाइनर के बाद जो लोखन का प्लेट रहता है जिसमें लाइनर चिपका रहता है, तो ये प्लेट पे गाड़ी चल रहा है, इसीलिए अब ड्रम घिस रहा था। अगर इसको अभी भी नहीं करवाते तो ड्रम पूरा ख़त्म हो जाता, लाइनर तो कब का ख़त्म हो चुका है। वो लेफ्ट हैंड साइड का हमने खोला था और ये राइट हैंड साइड का ये ड्रम के ऊपर चाम हो गया है, और ये लाइनर जो है बस थोड़ा सा ही बचा है। ये अभी 5-7 दिन के अंदर इसका भी लाइनर घिस जाएगा, और घिसने के बाद वो लाइनर जिस पे चिपकाया हुआ रहता है वो प्लेट है ना, ये स्किन इसके साथ लग लग के इसको भी काटेगा। तो अब हम दोनों तरफ का बदली करेंगे। ये हमने राइट साइड का ये व्हील सिलेंडर कंप्लीट निकाल लिया है और ये लाइनर भी निकाला हुआ है। लाइनर जो है ये अगर ये भी घिस ही गया है, थोड़ा मोड़ा ही बचा है। अगर हम सिर्फ लेफ्ट साइड का लाइनर डालेंगे तो लेफ्ट साइड में ब्रेक अच्छा लगेगा, राइट का जो घिसा हुआ है तो गाड़ी थोड़ा ड्राइवर साइड में मतलब राइट में खींचने का कंप्लेन आ सकता है, इसीलिए हम दोनों तरफ का बदली कर रहे हैं। और साथ में हब ग्रीसिंग भी कर लेंगे, क्योंकि ये डिस्क निकाल के इसको पॉलिश करवाना है, तो जब खोलेंगे तो साथ में ग्रीसिंग भी कर लेंगे, तो ये व्हील सर्विस के लिए अलग से कस्टमर को टाइम नहीं देना पड़ेगा और दोनों काम एक साथ में हो जाएगा। खोलो, ये जो डिस्क कटिंग में देना है तो उसके लिए हब खोलना है, तो हब तो खोलेंगे ही, साथ में हब ग्रीसिंग भी कर लेंगे। ये ग्रीस थोड़ा ख़राब हो गई है, बहुत पहले की है, तो साथ में दोनों काम एक साथ में हो जाएगा। पलटी करा, ये पांचों बोल्ट खोल लेंगे तो ये डिस्क बाहर आ जाएगी, और इसको लेथ मशीन पे कट करा देंगे। ये देखिए, ये ऊंचा भाग थोड़ा सा है, ये बैठने में भी थोड़ा दिक्कत करेगा और स्किन भी कड़क हो गया, तो इसको लेथ मशीन पे कट करा देंगे तो ब्रेक भी अच्छा लगेगा और ये अभी हो जाएगा। ये हमने ड्रम को कटिंग पॉलिश करवा लिया है और साथ साथ में ग्रीसिंग करके अब ये फ्री लोड है एकदम। अब इसके बाद व्हील सिलेंडर और ब्रेक लाइनर लगाएंगे। ये हब ड्रम फिटिंग कर दिए हैं ग्रीसिंग करके, उसके बाद लाइनर पेट नए डाल के नए लाइनर पेट डाल दिए हैं, और फिर व्हील सिलेंडर भी लगा दिए हैं, एकदम फ्री है। इसके बाद टायर लगा देंगे। ये हब और व्हील सिलेंडर लगाने के बाद हमने टायर लगा दिया, अब गाड़ी का ट्रायल लेते हैं। चलो मारो ब्रेक। अभी ब्रेक कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है, सही है ना? आवाज़ भी बंद हो गया और ब्रेक भी सही लग रहा है। ठीक है, चलो जाने दो।